के उपमंडल कार्यालय के समीप स्थित उपमंडल कॉन्फ्रेंस हॉल में अचानक आग लग गई। आग लगने से पूरे उपमंडल परिसर में हलचल मच गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया और स्थिति को काबू किया। रविवार को उपमंडल कॉन्फ्रेंस हॉल में दोपहर के समय एसडीएम गौरव कुमार ने कोविड-19 गतिविधियों से संबंधित गेहूं की खरीद को लेकर अधिकारियों की मीटिंग ली थी। इसके बाद एसडीएम वहां से चले गए, लेकिन घरोंडा के तहसीलदार व नायब तहसीलदार उपमंडल परिसर में ही मौजूद रहे। अचानक कर्मचारियों ने कॉन्फ्रेंस हॉल से धुआं उठता देखा तो वहां हलचल मच गई। कॉन्फ्रेंस हॉल में आग लगी हुई थी। इस पर तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान चारों ओर धुआं ही धुआं हो गया। आग लगने के कारणों का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल सका है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि एसडीएम द्वारा ली गई मीटिंग के दौरान एसी चलाया गया था। स्पार्किंग होने के कारण आग लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। आग लगने के कारण दो एसी कुर्सी जल गए हैं। ज्यादातर नुकसान कॉन्फ्रेंस हॉल में हुआ है। घरोंडा से संवाददाता विवेक राणा की रिपोर्ट। पहले मतलब 2 बजे मीटिंग थी जी तहसील में पूरी, तो एसडीएम साहब ने बोला भाई तहसील मीटिंग है और सफाई कर दो। मैं सफाई कर दी 1 बजे तक जी। उसके बाद फिर मैं चले गया था गर्दी रोड लंच करने के लिए। फिर वो मैंने आके देखा तो 3 बजे मेरे को पता लगा भाई आग लगी है। उसमें जो एसी है, एसी में एसी के जो नीचे हुआ ना बिजली, वो उसमें कनेक्शन में फॉल्ट हो गया था जी, उसके वजह से पूरी उसमें कॉन्फ्रेंस हॉल मीटिंग में आग लगी थी जी। तो आपने क्या किया फिर जी? मैंने तो उसको जो पीएन थे जी उनको फ़ोन किया, उन्होंने बताया भाई फायर ब्रिगेड डालो। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड बुलाई जी फ़ोन करके, उन्होंने एकदम कार्रवाई की। गेट तोड़े कुछ मतलब जो अंदर जाने के लिए उसके, फिर उन्होंने उसके अंदर जाके मतलब पानी प्रेशर मारा और एसी से हाथ से बुझा सारी लाइट आग बुझाई गई। अभी थे जी यहाँ पर उनके अंडर में हो जाए जी ये काम। मतलब जिस टाइम आग लगी थी सर यहीं थे, एसडीएम साहब भी यहीं थे, तहसीलदार साहब मैम भी थी। मीटिंग खत्म होने के बाद आग लगी जी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.